धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। शादी में वर पक्ष ने वधु को चढ़ाए गए 35 तोला सोने के गहने वधु पक्ष ने फर्जी बिल बनवाकर अपने बताए। जब मामले का खुलासा हुआ तो पीड़ित ने मामले की जानकारी मुरार थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना शुरू की। एएसपी राजेश दंडौतिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुरार के 6 नंबर चौराहे के पास रहने वाले सुनील किरार ने अपनी बेटी की शादी के लिए वर्ष 2018 में अपने रिश्तेदार प्रदीप किरार की मदद से लश्कर क्षेत्र टोपी बाजार स्थित एपी ज्वेलर्स संचालक प्रकाश अग्रवाल से 35 तोला सोने के जेवरात बनवाए थे, जिसकी विधिवत उन्हें बिल भी दिए गए थे। बाद में सोने की गड़बड़ी निकली और बिल भी फर्जी थमाए गए, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई और पुलिस सब विवेचना में जुटी है। और जिस व्यक्ति ने फर्जी बिल बनवाए थे उसके खिलाफ और जिस ज्वेलर्स के द्वारा एपी ज्वेलर्स के द्वारा फर्जी बिल बनाए गए थे उनके खिलाफ केस रजिस्टर के लिए उसने परिवाद माननीय न्यायालय में लगाया था। माननीय न्यायालय के आदेश से कल थाना मुरार में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया, कुल मिलाकर 2 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन में आयोग तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, इसमें इस तरह की कोई बात अभी सामने नहीं आई। फरियादी इसमें सुनील किरा जो नाम आया है, सुनील किरा के नाम से फरियादी बताया।